हाय गाइस, तो कल का व्लॉग में तो आपने देखा कि हम गए हुए थे गोमती नदी, और गोमती नदी से हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें जाना था आसपास के सभी मंदिरों पे, तो हमें यहाँ का नॉलेज नहीं था। तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि हमें आसपास के सारे मंदिर में दर्शन करवा दे, तो उन्होंने एक पर्सन का 60 रुपीज़ लिया। 120 रुपीज़ में उन्होंने हमें सभी मंदिरों में दर्शन करा दिया। और अभी आए हैं हम हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है। मैं आपको बता देती हूँ कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लगभग 12 फीट ऊंची है। और मैं आप लोगों को हनुमान जी की छोटी सी कथा भी बता देती हूँ जो हमें वहाँ पर पता चली। जब भगवान राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था, तो यही रावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया था। तब फिर हनुमान जी पतालपुरी गए, उन्होंने यही रावण का वध किया और राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर यहीं से दक्षिण दिशा की ओर यानी कि लंका की तरफ प्रस्थान किया, जिसके बाद यहां पर दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हो गई। फिर हनुमान जी के मंदिर को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज, आप लोग भी बाहर से हनुमान जी के मंदिर का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर से वीडियो बनाने के लिए मना कर दिए थे, इसलिए मैं अंदर का तो वीडियो नहीं बना सकी। फिर हमने हनुमान जी के दर्शन किए, और जब हम मंदिर से बाहर निकले तो थोड़े ही दूर पे एक और मंदिर था, जो कि 5 पांडव और द्रौपदी माता जी का मंदिर था। इस मंदिर को किला के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण महाभारत के राजा विराट ने करवाया था। और यह भी कहा जाता है कि 5 पांडवों के निर्वासन के दौरान यह किला एक घर के रूप में भी उनके लिए काम करता था, इसलिए इसे पांडव किला के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर 5 पांडव जी की प्रतिमाएं हैं, कृष्ण जी की प्रतिमा है और द्रौपदी माता जी की भी प्रतिमा है, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो जहाँ पे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने का भी स्थान यहाँ पर बना हुआ था। फिर हम चले गए खाटू श्याम बाबा जी के और सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन करने के लिए, जिनका मंदिर भी बस थोड़ी सी ही दूरी पे है। आप देख सकते हैं कि सामने में ही बोर्ड लगा हुआ है। जब हम मंदिर के अंदर गए दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे बाहर से लोग आए हुए थे यहाँ पर भागवत कराने के लिए। कहा जाता है कि भागवत कराने के लिए नैमिषारण्य सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। फिर मंदिर के अंदर जाकर हमने खाटू श्याम बाबा जी के और सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन किए। कहा जाता है कि नैमिषारण्य इतना बड़ा धार्मिक स्थल है कि यहाँ पर जितना भी आप दान पुण्य करते हैं उसका फल 21 पीढ़ियों के पितरों को मिलता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो यहाँ पर एक सरोवर बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वीडियो में देखने से तो फिर भी थोड़ा सा कम सुंदर लग रहा है, बट ये रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने यहाँ पर बहुत सारे पिक्स क्लिक करवाए, थोड़े से वीडियो बनाए, और जो आप बीच में देख रहे हैं बड़ा सा फ्लावर, तो वहाँ पर शिव जी और पार्वती मैया जी स्थापित हैं। फ्लावर तक दर्शन करने जाने के लिए छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। आई होप गाइस कि मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइस।